दोस्तों आज हम करने वाले हैं सोल लैंड 2 के एपिसोड 272 को फुल एक्सप्लेन। अगर आपने अभी तक इसके पिछले पार्ट को नहीं देखा है तो एक बार देख लेना, वो सभी चैनल पर अवेलेबल है। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें माउंटेन रेंज का सीन दिखाया जाता है जहां पे शैन और बाकी के काफी सारे लोग होते हैं और योहाओ के आते ही मूला उससे पूछते हैं, योहाओ डोंगर कैसी है। और जैसे योहाओ यहाँ से बाहर आता है तो ये यहाँ पे सभी को ही इंतजार करता हुआ पाता है और जो जो हुआ था वो सब कुछ यह एक्सप्लेन कर देता है और बताता है यंग यंग लव क्वेर जो अभी कुछ समय तक होश में नहीं आ पाएगी तो ये डिसाइड करता है कि यह लौट के शेरक नहीं जाएगा। और बाद में तिया दव एम्पायर के अंदर एंटर करने के बाद में ये सीधे क्लियर स्काई कलाइन की तरफ जाता है। और वैसे तो बीबी भी काफी ज्यादा चिंता में था लेकिन टांग सेट को भी जरूरत थी किसी ऐसे की जो कि सारी सिचुएशन को संभाल, इसलिए बीबी जू सांसी और जांग नान को भेजता है जिससे कि यह युहाओ को साथ दे सके। और इन चारों को यहाँ से जाता देख वैंग क्यो मन में कहती है, यहाँ तक कि अगर तुम मरी हुई भी हो तब भी तुम उसके मन में मुझसे भी कहीं ज्यादा इम्पोर्टेंट हो और अब समय आ गया है कि मैं भी अब अपनी दुनिया के अंदर वापस लौट जाऊं। और शायद वैंग क्यो यहाँ से सबसे अलग हो जाती है जिसके बाद हम युहाओ के साइड का सीन देखते हैं जहाँ पे युहाओ कहता है क्लियर स्काई क्लन में आ गया हूँ, जिसके बाद ये चारों ही आगे बढ़ने लगते हैं। युहाओ आगे बढ़ते हुए कहता है लखली मुझे याद है कि यहाँ तक कैसे आना है। और जैसे ये दरवाजे के करीब आते हैं तो दरवाजा अपने आप ही खुल जाता है तो इस चीज को देख के सांसी भी काफी हैरान होता है। और यहाँ पे आमिंग और अमिन पहले से ही काफी गुस्से में खड़े होते हैं और युहाओ और डोंगर को अपने साथ लेके आते हुए कहता है अंकल टाइटन और अंकल न्यूटन देखिए ना कि डोंगर को क्या हो गया है। तो टाइटन डोंगर को ले लेता है और डामिक कहता है तुम्हें कुछ भी कहने की कोई जरूरत नहीं है, हम पहले से ही सब कुछ जानते हैं कि डोंगर तुम्हारे साथ गई थी और अंत में उसकी हालत ऐसी हो गई और ये तो तुम्हारी जिम्मेदारी थी ना, लेकिन फिर भी तुम कुछ भी नहीं कर सके इसलिए तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम यहीं से लौट के चले जाओ। तो युहाओ पूछता है अंकल डोंगर कब होश में आएगी और क्या ये सच है कि इसकी बॉडी के ऊपर वो जो हिडन वर्ड्स हैं वो वापस से अयर हो गए हैं। जिस पर डामिक कहता है इनमें से एक भी चीज का तुम्हारे साथ कोई भी लेना देना नहीं है और अब से डोंगर का ख्याल भी अपने मन से निकाल दो और यहाँ से चले जाओ और इस चीज से तुम्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि यह होश में आती है या नहीं, लेकिन तुम फ्यूचर के अंदर डोंगर के साथ रहने के भी काबिल नहीं हो इसलिए तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि यहाँ से चुपचाप चले जाओ और मुझे कुछ करने के लिए मजबूर मत करो। और डामिक की इन बातों को सुन के जियांग नान को गुस्सा आ जाता है और ये कहती है तुम तो कितने ज्यादा अनरीजनेबल हो और जो डोंगर के साथ है उसके लिए तुम आखिर कैसे युहाओ को ब्लेम दे सकते हो। और अगर तुम में इतना ही ज्यादा जोर है तो यंग यांग लव क्वेरिया और वहाँ पे जाके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करो और असल में वहीं पे वो है जिसने डोंगर की ऐसी हालत की है और यह पहले से ही काफी ज्यादा उदास है, तो आखिर क्यों तुम उसके जख्मों पर नमक छिड़क रहे हो और क्या तुम डोंगर को ठीक कर सकते हो, अगर नहीं तो डोंगर को वापस हमें लौटा दो और हम अपने स्कूल वापस चले जाएंगे। और इस चीज को सुन के डामिक काफी गुस्से में आ जाता है और ये काफी खतरनाक तरीके से अपने ओरे को रिलीज करने लगता है और इन सभी के ऊपर ही काफी प्रेशर डाल रहा होता है और इतने ज्यादा प्रेशर की वजह से नान को पीछे हटना पड़ता है जबकि युहाओ के ऊपर भी काफी ज्यादा प्रेशर पड़ रहा होता है सी जिससे कि वो पीछे हट जाए, लेकिन युहाओ अपनी जगह से टस से मज नहीं होता है। तो इस चीज को देख के डामिक एक बार के लिए मुस्कुराता है जिसके बाद यह अपनी और ज्यादा पावर को रिलीज करता है और इसकी यह पावर ड्रैगन के फॉर्म में सीधे हो की तरफ जा रही होती है। तो इस चीज को देख के जू संशी कहता है युहाओ जल्दी से पीछे हटो, लेकिन युहाओ इसका सामना करते हुए कहता है नहीं, अगर मैं अभी पीछे हट गया तो इसका मतलब यही होगा कि मैंने पूरी तरीके से हार मान ली है। और जब युहाओ इस प्रेशर का सामना कर रहा होता है तो उसके आंख कान मुंह में से खून निकलने लगता है और ये कहता है मैं नहीं जानता कि आखिर अचानक से क्यों अंकल डामिंग और टाइटन इतने ज्यादा अचानक से गुस्सा क्यों हो गए हैं, लेकिन अभी मैं डोंगर की खातिर बिल्कुल भी पीछे नहीं हटूंगा और ना ही मैं किसी भी हालत में झुकूं। और इस चीज को देख के जू सांसी और जियांग नान को इसकी काफी ज्यादा चिंता होने लगती है और डामिक कहता है तुम काफी ज्यादा इम्प्रूव हो गए हो और क्योंकि तुम डोंगर के प्रति काफी सिंसियर हो तो इस चीज को देख के मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ। डोंगर के फादर कुछ समय पहले यहाँ पे आए थे और उन्होंने हमें बताया कि डोंगर की जो हिडन इलनेस है वो ट्रिगर हो चुकी है, इसलिए अगर तुमने अभी तक निंग हॉट ब्रोकन रीड को ढूंढ के डोंगर को नहीं दिया तो समझ लो कि तुम अब मरने वाले हो और अभी की इसकी कंडीशन काफी ज्यादा बुरी है, इसलिए ये क्लियर स्काई क्लान के अंदर रेस्ट ही कर सकती है और कम से कम तब तक के लिए चले जाओ जब तक कि ये होश में नहीं आती और तब तक तुम्हारा यहाँ पे भी आना मना है।
और अगर यह होश में आ जाती तो मैं किसी को भेज दूंगा शेरक जो कि तुम्हें आके बता देगा कि क्या ये अब भी तुम्हारे साथ ही रहना चाहती है। और चलो इस बारे में हम बाद में ही बात करेंगे। और इतना कह के डामिग अपने बस एक एक हाथ के इशारे से ही योहाओ को पीछे हटने के लिए मजबूर कर देता है और इस वजह से योहाओ भी काफी पीछे तक घसीट हुआ जाता है और ये कुछ भी कर पाता उससे पहले ही दरवाजा बंद हो जाता है। और इस चीज को देख के ये खुद भी काफी ज्यादा हैरान होता है। और फिर दरवाजे की दूसरी तरफ डामिग कहता है, यहाँ से दफा हो जाओ और अगर तुम मुझे ऐसे ही परेशान करते रहे तो तुम पर रहम ना दिखाने के लिए मुझे दोष मत देना। और मैं एक चीज तुम्हें अच्छे से याद दिला दूं, यहाँ तक कि अगर डोंगर होश में भी आ जाती है भी और अगर तुम उतने भी ज्यादा स्ट्रांग नहीं हुए जिससे कि तुम इसे प्रोटेक्ट कर सको तो हम किसी भी हालत में तुम्हें इसके साथ नहीं रहने देंगे। और अगर तुम डोंगर को दोबारा से अपने साथ चाहते हो तो तुम पहले अपने आप को ताकतवर बनाओ। और इन सारी बातों पर योहाओ कुछ भी नहीं कहता है और इस चीज को देख के जू सांसी कहता है, हमें योहाओ के ऊपर विश्वास रखना होगा और इस बार इसे ये जो मुंह की खानी पड़ी है तो यह इसके लिए मोटिवेशन का काम करेगी। और तभी योहाओ खुश होते हुए कहता है, ब्रदर सांसी, ब्रदर नान, चलो चलते हैं। तो जियांग नाना योहाओ से पूछती है, योहाओ क्या तुम ठीक हो? जिसके बाद ये तीनों ही यहाँ से जाने लगते हैं और योहाओ कहता है, अभी अंकल डामिग ने जो भी कहा है वो एकदम सही कहा है कि अभी मैं काफी ज्यादा कमजोर हूँ, वी तो डोंगर को यहाँ पे छोड़ के जाना ही सबसे बेस्ट रहेगा और चलो लौट के कॉलेज चलते हैं। और मैं सेकल जन में जाके अपने आप को ट्रेन और अपनी बॉडी को रिकवर करना चाहता हूँ। और इस दौरान योहाओ उदास होके मन में कहता है, डोंगर तुम्हें होश में आना ही होगा वी, और मैं तुमसे दोबारा मिलने के लिए जल्द से जल्द लौट के आऊंगा। और इन तीनों को यहाँ से जाते हुए टाइटन और डामिग देख रहे होते हैं और इन लोगों ने जो योहाओ के साथ ऐसा बिहेव किया होता है इस वजह से टाइटन को काफी बुरा लग रहा होता है। तो डामिग कहता है, अब जब ये उसका डिसीजन है तो बिल्कुल वैसा ही करो जैसा कि उसने कहा है। और क्या तुम्हें अब भी उस पर विश्वास नहीं है? और शायद ये योहाओ के लिए बुरा नहीं होगा और चलो चल के डोंगर से मिलते हैं और जब ये लड़की होश में आएगी तब सब कुछ अलग होगा। जिसके बाद हमें पिंकी को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा उदास होती है और ये मन में कहती है, मोम को मिंगू से गए हुए आधे से ज्यादा महीना हो गया है लेकिन अभी तक उनकी कोई भी खबर नहीं मिली है और इसलिए अब मुझे काफी ज्यादा चिंता होने लगी है। और वैसे तो शरक काफी जल्दी इन्फॉर्मेशन निकाल लेता है तो एक बार जो इन्फॉर्मेशन मिल गई तो सभी ही हेल्प करेंगे। और तभी एक टकला आते हुए कहता है, क्यों क्यों तुम क्या कर रही हो? और मैंने देखा कि तुमने ज्यादा कुछ खाया भी नहीं था। जिस पर कुकू कहती है, मैं उन बाकियों के लिए इंतजार कर रही हूँ जो कि शेरक जा रहे हैं लेकिन आखिर क्यों तुम गुफाओं में नहीं चले जाते हो? तो ये बंदा कहता है, गुफा वो क्या होता है? हमारी जो जगह है वो अंडरग्राउंड रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो कि टंग सेक्ट का सोल टूल है। तो क्यों क्यों कहती है, अंडरग्राउंड है तो ये गुफा नहीं तो क्या है? जिस पर यह बंदा कहता है, चलो इसे ग्राउंड में गड्ढा के लेते हैं और मैं जाके वाइन लेके आता हूँ, तो क्या तुम ड्रिंक करना चाहोगी? वी, जिस पर यह कहती है, तुम्हारा शुक्रिया लेकिन मैं तुम्हारे साथ ड्रिंक नहीं करना चाहती हूँ और मेरी मॉम ने सिखाया है कि लड़की को कभी भी लापरवाही से ड्रिंक नहीं करनी चाहिए। और तभी हम यहाँ पे गुई को देखते हैं जिसे देख के क्यूब काफी ज्यादा खुश होते हुए कहती है, सिस्टर गुई, क्या आप दोबारा से उस स्वॉर्ड मैन के साथ ट्रेनिंग कर रही हैं? और वो स्वॉर्ड मैन तो काफी टफ है ना, लेकिन अच्छी बात यह है मैं उसके अपोनेंट नहीं हूँ। तो ये लड़की काफी जोश में आते हुए कहती है, आज नहीं तो कल मैं उसे हरा ही दूंगी। और तभी बी यहाँ से गुजरता है तो क्यूक उसे देख के कहती है, सीनियर आप आ गए और आप कैसे हैं? और क्या मेरी मॉम और बाकियों की आपको कोई न्यूज मिली क्या? जिस पर बी बताता है, ऐसी न्यूज मिली है कि वो सभी ही अरेस्ट हो चुके हैं। तो इस चीज को सुनकर जू सांसी कहता है, क्या उन्होंने खुलेआम मान लिया कि ये लोग उनके हाथों में है और आखिर इसका मतलब क्या? और इस तरीके से ये लोग तो खुलेआम ऐलान जंग कर रहे हैं। और सही तो कहता है, बाकी के एम्पायर्स ने अभी वॉर डिक्लेयर नहीं की है लेकिन सिनेमून एम्पायर ने ऐसा कर दिया है और इस तरीके से ये दुश्मनों के पोटेंशियल को कम करना चाहते हैं और तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते जब तक कि उनके हाथों में कुछ लोग बंदी बने हुए हैं। और फिर बी कहता है, लेकिन अगर हमने उन्हें बचाने का खतरा उठाया तो जाहिर सी बात है कि हम उनके जाल में फंस जाएंगे। तो क्यों हैरान परेशान होते हुए कहती है, तो फिर अब हमें क्या करना चाहिए और क्या हम अब भी उन्हें नहीं बचाएंगे? जिस पर बी कहता है, चिंता मत करो, ये जाहिर सी बात है कि हम लोगों को जरूर बचाएंगे लेकिन एक्शन लेने से पहले हमें एक सॉलिड प्लान बनाने की जरूरत है और तुम चिंता मत करो, तुम्हारी मॉम अभी के लिए खतरे में नहीं है तब तक जब तक कि सिनेमून एम्पायर जंग को शुरू करने के लिए तैयार नहीं हो जाता। और सी कोर्ट पवेलियन ने कुछ स्काउट्स को भेजा है जिससे कि वह हालातों के बारे में और ज्यादा छानबीन कर सके
और अभी के लिए हम बस धीरे से इंतजार ही कर सकते हैं। लेकिन तब तक सभी को ही काफी हार्ड ट्रेनिंग करनी होगी और सफल होने के लिए पावर ही सबसे बेस्ट गारंटी है। जिसके बाद हम एक जगह पे हम काफी सारे वाइन केन्स को रखे हुए देखते हैं, जिनके बीचों बीच युहाओ बैठा होता है, जहाँ पे ये एक मटके को उठाता है और उसकी वाइन को पीने लगता है, और देखते देखते ये पूरे एक मटके की वाइन को पीस जाता है। और जैसे ही इस वाइन को पूरी तरीके से पीस जाता है तो इसके अंदर से काफी ज्यादा खतरनाक एनर्जी फ्लो होने लगती है। और इसी के साथ फ्रेंड्स, हमारा ये एपिसोड भी यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना।